दोस्तों, भारत को आजाद हुए 70 वर्षों से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में, यहाँ तक कि कई पढ़े लिखे लोगों में, आज भी अन्य जातियों के प्रति भेदभाव देखा जा सकता है। आज भी लोगों को उनके काम की बजाय उनकी जाति के आधार पर देखा जाता है। ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मानते हैं कि जाति के आधार पर समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप यह तो जानते ही होंगे कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन आप उनके जीवन के बारे में कितना जानते हैं? शायद ज्यादा नहीं। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ स्टोरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महार यानी एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता महाऊ कैंटोनमेंट में ब्रिटिश फौज के लिए काम करते थे। उस समय में दलितों को अछूत समझा जाता था, उनकी जाति के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं दिया जाता था। हालांकि भीम को स्कूल जाने का मौका मिला, लेकिन भीम और उनके दलित दोस्तों को क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि टीचर उनकी किताबों को भी नहीं छूते थे। प्यास लगने पर जब भीम और उनके दोस्त पानी मांगते तो स्कूल का प्यून, जो खुद ऊंची जाति का था, ऊंचाई से खड़ा होकर उन्हें पानी देता ताकि पानी पीते समय उनकी पानी की बूंदें उसके ऊपर ना पड़े। हाल ऐसा था कि जिस दिन प्यून छुट्टी पर होता था, उस दिन भीम और उनके दोस्तों को प्यासा ही रहना पड़ता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वह पढ़ना चाहते थे। पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट होने के कारण ही वे पहले ऐसे दलित हैं जिन्हें मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने 3 साल की बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप जीती और न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने जून 1915 में एमए के एग्जाम में पास होने के बाद अपनी रिसर्च जारी रखी और 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया पर अपनी थीसिस दी। इसके बाद उन्होंने 3 और थीसिस दी जो भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और इतिहास पर थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 4 साल के अंदर 2 डॉक्टरेट पूरी की। दोस्तों, जिसमें सीखने और ज्ञान पाने की इच्छा हो, उसे भगवान भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और शायद यही कारण था कि भीम ने उस समय में इतनी डिग्रियां हासिल की जिस समय में एक दलित बच्चा पढ़ाई करने के सपने भी नहीं देख सकता था। वह 1924 में भारत लौटे और अछूत की धारणाओं को बदलने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हर उम्र के लोगों के लिए फ्री स्कूल और लाइब्रेरी चलाना शुरू किया। अंबेडकर दलितों की फरियाद, उनकी शिकायतें कोर्ट तक पहुँचाने लगे ताकि लोगों को न्याय मिल सके। कुछ सालों बाद उन्होंने कई मार्च ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जिनका मकसद दलितों को भी उन कुओं से पानी पीने की इजाजत मिलना जिससे सब पानी पीते थे, दलितों को भी मंदिर में प्रवेश करने का हक दिलाना। उन्हें रोकने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन वह अपने दलितों को समानता दिलाने के मकसद से नहीं हटे। वह जात पात के खिलाफ लड़ते रहे। 1935 में नासिक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दलितों को ऐसा धर्म अपनाने को कहा जिसमें कोई ऊंच नीच या जात पात ना हो, जिसमें सभी को एक समान हक मिले। वे जानते थे कि समाज को बदले बिना राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। उनका मानना था कि अगर समाज में सभी को समान हक मिलने लगे तो देश खुद ब्रिटिश के चुंगल से आजाद हो जाएगा। 1937 में ब्रिटिश सरकार प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन के लिए मान गई और डॉक्टर अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बॉम्बे प्रोविंस में भारी मतों से जीत हुई। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज और मजदूरों के लिए कई बड़े बदलाव किए। आजादी के बाद उन्हें देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया और जल्द ही उन्हें भारत का संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। डॉक्टर अम्बेडकर भी अहिंसा, समानता और सत्य पर विश्वास रखते थे और बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों और अछूतों के लिए ही नहीं लड़े, वह महिलाओं के हक के लिए भी लड़े। वह ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने मही अंबेडकर समान हक दिलाने की बात कही। वह पहले इंसान थे जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंता जताई थी। डॉक्टर अंबेडकर का इस देश के लिए जो भी और जितना भी योगदान रहा, वह सराहनीय है।
उन्हें यह देश कभी नहीं भूलेगा। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।